चलिए, अगर पूरे कोरोना की स्थिति की बात करें, लेकिन 10 से 15 दिन के कोरोना के हमले में हिंदुस्तान का ये हाल है, तो फिर अंदाजा लगाइए कि अगर कोरोना की दूसरी लहर 100 दिन तक चलती है तो इस देश का और यहाँ के मेडिकल सिस्टम का क्या हाल होगा। कोरोना का हवाई हमला, 100 दिन काल तांडव। पड़ा हुआ है, कोई दिन इलाज नहीं हो रहा है यार भाई। इतना बुरा हाल मैंने पहले कभी नहीं देखा। वेटिंग में मरीज, चिताओं के लिए टोकन। सिर्फ अप्रैल महीने में ही हिंदुस्तान कोरोना के कुंड में डूब चुका है। दूसरी लहर में नए वेरिएंट ने मौत का ऐसा खेल खेला है कि ना तो डॉक्टर समझ पा रहे हैं कि मरीज का इलाज कैसे करें और ना ही पीड़ित परिवार समझ पा रहे हैं कि वो अपने मरीज को कैसे ठीक करवाएं। भारत में कोरोना की बड़ी तबाही। एक दिन में 260,000 से ज्यादा नए केस आ चुके हैं, जबकि रिकॉर्ड 1500 से ज्यादा मौतों से हड़कंप मच गया है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि दिल्ली के प्रसिद्ध राम मनोहर लोहिया अस्पताल में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर मनीष जांगड़ा जब कोरोना पॉजिटिव हुए तो उन्हें तक इलाज के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा। मेरा नाम डॉक्टर मनीष जांगड़ा है, मैं आरएमएल हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। यहाँ पे मुझे बेड नहीं मिल रहा है, यहाँ का डॉक्टर होने के बावजूद भी वीआईपी लोगों ने बेड भर रखे हैं। यहाँ पे वीआईपी लोगों को ही प्रायोरिटी दी जाती है, यहाँ के डॉक्टर से कोई नहीं पूछता है। डॉक्टर के लिए करो। कोरोना का नया वायरस बच्चे, बूढ़े और जवानों हर किसी को मौत के घाट उतार रहा है। डॉक्टर कोरोना टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि नया कोरोना वायरस कोरोना टेस्ट को भी चकमा दे रहा है। जानकारों ने कोरोना की दूसरी लहर बेहद खतरनाक और जानलेवा बताया है। जानकारों के मुताबिक, विशेषज्ञों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर 100 दिन तक चल सकती है, जब तक 70% लोगों का टीकाकरण ना हो जाए या फिर जब तक सामुदायिक प्रतिरोधक क्षमता यानी हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं होगी। तब तक नया कोरोना इस तरह से मौत की लहर चलता रहेगा, यानी अगले 100 दिन तक नया कोरोना पूरे हिंदुस्तान में कहर बरपा सकता है और देश के अस्पतालों के हालात बद से बदतर हो सकते हैं। भारत में कोरोना तेजी से फैल रहा है। शमशान घाट और कब्रिस्तानों में लाशों का तांता लगा हुआ है। कोरोना की दूसरी लहर हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। जिस रफ्तार से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो देश की टेंशन बढ़ाने वाली है। वर्डोमीटर के मुताबिक देश में शनिवार रात 12 बजे तक 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 260,553 नए मामले सामने आए, जिससे देश में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,47,82,461 हो गई। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में नए संक्रमितों की ये सर्वाधिक संख्या है। ये पहली बार है जब नए मामले 2.5 लाख से ज्यादा दर्ज किए गए। ये आंकड़े इशारा कर रहे हैं कि अगर 10 से 15 दिन में कोरोना की दूसरी लहर ने ये हाल कर दिया है तो फिर अगर 100 दिन तक यूं ही मौत का तांडव करता रहा तो देश का क्या होगा। सबसे ज्यादा चिंता की बात ये है कि कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर कम होती जा रही है, जबकि नए कोरोना मरीज तूफान की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कोरोना से स्वस्थ होने वाले लोगों की दर घटकर 86.6% हो गई है। कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,28,03,791 हो गई है और मृत्यु दर गिरकर 1.22% हो गई है। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगले 100 दिन यानी लगभग 3 से 4 महीने हम कोरोना की दूसरी लहर से कैसे लड़ेंगे, जब 15 दिन में ही हमारे अस्पताल कोरोना की दूसरी लहर में बुरी तरह से भर चुके हैं और उस पर भी कोरोना का नया वायरस अब हवा से भी फैलने लगा है। ये वाकई कोरोना से इंसान के वजूद की जंग शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।